अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं इन्होंने जस्ट डेजी को नाखून काटने के लिए बोला। जब तक ये काट रहे थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इनसे नहीं कट रहा था तो इन्होंने मुझे बोला। उसके बाद डेजी कहाँ जाके छुपी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये डेस्क के नीचे जाके एकदम कोने में छुप गई है ताकि उसको नेल कटर से बचने को मिल जाए, उसको नाखून नहीं कटवाना। डेजी बाहर आओ, बाहर आओ डेजी, डेजी बाहर आओ, डेजी बाहर आओ, आओ आओ बाहर आओ। अटो अटो बाबू अटो, वो हाथ पीछे कर रही है। डेजी बाहर आओ, आओ आओ आओ, डोसा दूँ, आओ आओ डेजी, डोसा देती हूँ, आ जाओ आओ। मैंने जैसे तैसे करके इसको निकाला, पूरा चेयर हटा के इसको जबरदस्ती निकाला। आप उसके अगर पैर दिख रहे तो आप देखो इतना जबरदस्त कांपती है ये, कैसा लगता है जैसे इसे कोई फोबिया है, जैसे अवनी को है कान साफ करने से, ऐसे लगता है इसको नाखून काटने से है। बहुत ध्यान से काटना पड़ता है, ज्यादा कट जाता है तो फिर खून निकलने लगता है। वेरी गुड, हमारी डेजी सिर्फ सोने के मामले में आगे क्या रही है। सो सारे काम हो चुके हैं और हम अब बज चुके हैं 4 शाम के। मुझे जाना है बैंक, और बैंक जाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने सुबह में कहा था कि मैंने फूड ब्लॉगिंग क्यों क्विट की है उसके बारे में मैं बात करने वाली थी। तो एक्चुअली फूड्स के ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं, एक तो हेल्थ का रीज़न है, हेल्थ इशू की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब चल रहा है। सो दैट अपने आप को हेल्दी रखना ज़्यादा ज़रूरी,
समझती हूँ मैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि आपको हेल्दी रहने की क्या ज़रूरत है, आप इतना खाती हो, जाता कहाँ है। बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे ऐसे, पहले भी पेट नहीं बढ़ता एकदम पतला ही उपड़ा, और वो तो यही सोचते मेरा पेट इतना अंदर बहुत आता था, कमेंट्स में भी आता था कि इतना खाते हो जाता कहाँ है। सो मुझे नहीं, एक्चुअली मेरे मतलब फैमिली में भी सब लोगों को सबके लिए ऐसे मैं बताऊँ कहाँ जाता है, जब बनाती है ना तो ऐसे डालती है उसका ऐसे मतलब। तो एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मुझे नहीं पसंद ओरियो पकोड़ा, मुझे नहीं पसंद वो अजीब सा मैगी शेक वगैरह, पता नहीं क्या क्या आइसक्रीम बिरयानी, चॉकलेट बिरयानी, तो मुझे ये सब एक्सपेरिमेंटल नहीं पसंद। मैं अगर फ्रूट के किसी जगह का वीडियो भी बनाऊंगी तो मैं वहाँ जाके जेन्युइन चीज़ें ही ट्राई करने वाली हूँ। मैं ऐसी एक्सपेरिमेंटल जगह नहीं जाने वाली, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि बस डिसेंटली चीज़ें खाना ही मैं पसंद करती हूँ। मैं समोसा चाट में खुश रहने वाले लोग हैं हम लोग, वो एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आप के फ्रेश भी देख लीजिए, आलू फूड से रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वीडियोस नहीं बनाए, जो बहुत ज़्यादा क्या 1% भी नहीं। हाँ, मैंने वैसे एक्सपेरिमेंटल नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक स्मोकी बिस्किट ट्राई किया था अलग कुछ, तो वो तो भाई अच्छा लगता है खाने में जेन्युइनली, बट ये नहीं कि मैं एक बार चाचा का फोटो खींचा था, वो मुंह बंद करके चबा था, जैसे नाक से हवा थोड़ा, नाक से धुआं निकलने लगा सफेद सफेद ट्रेन की तरह। हाँ, सो देट बहुत कुछ रीज़न है, बहुत गंद मच गई है फूड ब्लॉगिंग के सेक्टर में, कि मतलब बहुत अजीब अजीब से होने लगे हैं। सो मैं जहाँ जाऊँगी कहीं, अभी तो वेल हम जा भी नहीं रहे हैं कहीं ऐसा मतलब बाहर फूड की से रिलेटेड जगहों पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। जनरली घर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ शेड्यूल चल रहा है ऑलरेडी, आप लोगों को जैसे पता है ढेर सारी पेमेंट्स हैं, तो सीधी सी बात है वो जो ज़्यादा ज़रूरी है मैं वही काम पहले करूँगी। ये फूड ब्लॉगिंग वगैरह तो होती रहेगी, क्योंकि उस मैं वहाँ पैसा उतना खर्चा करने से अच्छा वही पैसा मैं किसी काम में लगाऊँ। सो बहुत सारे रीजंस हैं, होपफुली मैं फूड ब्लॉगिंग करूँगी तो बहुत अच्छी अच्छी जगह चूज़ करके करूँगी, और जेन्युइन जगह चूज़ करके करूँगी, ताकि आप लोगों को भी वो वीडियो देख के सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ भाई ये जगह अच्छी है जेन्युइनली। सो दैट मिलते हैं, बैंक जाके आते हैं, उसके बाद एक पेमेंट आने वाली है वो पता कर लूँ मैं। पेमेंट अगर आई होगी तो हम जाएंगे शिवालय, और नहीं आई होगी तो हम रहेंगे घर और बनाएंगे खाना। तो मैं पहुँच चुकी हूँ बैंक, मैं बाबू पापा आ गए हैं बैंक, चलते हैं बैंक के अंदर। बन रहा है चिक डेजी का खाना, तो हम लोग गए नहीं कहीं भी, हम लोग वापस घर आ गए। घर आने के बाद मैं सो गई, सो के उठने के बाद मैंने अभी बर्तन धुल लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना बनाने के बाद सोएंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और शेयर ढेर सारा कीजिए।